जी, हमने बताया ना कि हम इस समय खनवर गांव में हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये क्षेत्रीय विधायक उमा शंकर सिंह का आवास है, जो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। वो बसपा सुप्रीमो मायावती के बहुत ही करीबी विधायक माने जाते हैं। इनका जो आवास है, आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े दिमाग से, बड़ी ऊर्जा से इन्होंने सजाया संवारा है। इस गांव का सबसे अद्भुत नज़ारा, और इस गांव में जो कहाँ एक तरफ खाकी बाबा का जो आपने विशाल मंदिर देखा, वहीं आप इस गांव में जो चारों तरफ विकास देखा है, सड़कें अच्छी बनी हैं, अब जल कल का जो आप देख रहे हैं वो भी खूबसूरत बना हुआ है, और आवास भी इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है। जो एक बार आता है यहाँ पे जरूर उसकी तारीफ करता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्षेत्रीय विधायक उमा शंकर सिंह बसपा से आते हैं। इनका देखते हैं किस तरीके से अपने लिए खासतौर पर इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया है कि जो इस गाँव में आता है एक बार जरूर अपने इस आवास का तारीफ करता है। तो मैं बता रहा हूँ, रसड़ा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है, कभी उमा शंकर सिंह वहाँ से 2012 में पहली बार विधायक हुए, फिर एक मौका आया, उस समय मोदी लहर चली। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से राम इकबाल सिंह थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी से आपके उमा शंकर सिंह थे। जबरदस्त लड़ाई में उमा शंकर सिंह पुनः विधायक हुए 2017 में। आगामी जो 2022 का चुनाव है, किस तरह से होगा, कौन प्रत्याशी होगा, बसपा ने तो ये तय कर लिया है कि उमा शंकर सिंह लड़ेंगे, लेकिन बाकी दलों से कौन लड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जो देख रहे हैं, जिस तरह से ये बिल्डिंग भवन विधायक ने सवाया है, सजाया है, संवारा है, काफ़ी चर्चा में जिले में रहता है। तो अभी हाल में बहुत सारे कार्यक्रम रसड़ा में हुए, बलिया में हुए, तमाम हुए। तो आज खनवर गाँव में हम आपको इस एरिया का, इस गांव का दर्शन करा रहे हैं। हम विधायक के आवास पर हैं। विधायक उमा शंकर सिंह की बात हो रही थी, वो आपने देखा खनवर गांव में एक आलिशान भवन, उसके बाद हम उस जगह पर हेलीपैड स्थल, इन्होंने अपने आवास के बगल में एक हेलीपैड स्थल भी बनाए रखा है। खास तौर पे जब विधानसभा चुनाव आएगा, बड़े नेताओं का जब उनके विधानसभा में आगमन होगा, हो सकता हो कि हेलीपैड बनाने में प्रवेश वो तमाम प्रक्रिया है उसमें खर्च आते हैं, इसलिए उस आगे का भविष्य देखते हुए परमानेंट इन्होंने जो है यहाँ पे हेलीपैड भी बना रखा है। तो आप जो चारों तरफ देख रहे हैं हरियाली, पौधे वगैरह, और उसके बाद हेलीपैड चलता है, हम चलते हैं वहाँ पे, जिन्होंने किस तरीके से इसको सजाया है, संवारा है, खास तौर पे हरियाली, और देखिए जमीन पे किस तरह फर्श के बगल में किस तरह से डिजाइन में जो या उन्होंने घास को सजाया है। हम आते हैं हेलीपैड स्थल पे, जिन्होंने विधायक ने खासतौर पे इसको बनाया है। कलर भी आप देख सकते हैं, जिस दल के हैं उस दल का हेलीपैड स्थल भी है। दोस्तों, खनवर गांव प्रदेश में सबसे बेहतर माना जा रहा है, इसलिए विकास के मामले में इस गांव को इन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दिया है विधायक, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने। और इस गांव में जो आता है एक बार जरूर चारों तरफ जो हरियाली है, जो पौधे हैं, जो विकास है उसको जरूर देखता है। तो आप देख सकते थे सामने आवास, उसके बगल में हेलीपैड, सामने आवास, उसके बगल में हेलीपैड। तो आइए हम दूसरी जगह चलते हैं। तो पीछे हमने बताया ना कि विधायक का उमा शंकर सिंह का आवास देख रहे हैं चारों तरफ से, कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, विधायक आवास का, जो इन्होंने किस तरीके से अपने गांव में अपने परिवार के लिए, अपने लिए इस घर को सजाया है, काफ़ी चर्चा में है। आइए हम उस जगह पर चलते हैं जो एक अलग चीज़ इन्होंने इस आवास के परिसर में बनाया है। देखिए स्विमिंग पूल, देखिए कितना खूबसूरत, जब इसमें पानी नहीं है, जब पानी रहेगा तो उसका नज़ारा देखिए, एक फोर दो तीन, कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने सजाया है, बनाया है इस तरह का। आइए मैं नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ, देखिए ये किस तरीके से इन्होंने जो है इसको बनाया है। दोस्तों ये स्विमिंग पूल है, कितना खूबसूरत ये सामने का नज़ारा, ये माहौल आप देख सकते हैं। विधायक ने जो अपने गाँव को सजाया है वाकई खूबसूरत लग रहा है, इसमें जब पानी आएगा तो और खूबसूरत लगेगा। इसकी गहराई आप देख सकते हैं, उधर से फिर नीचे आएंगे, इसकी गहराई काफ़ी तैरने का इसमें इन्होंने किया है। सामने बैठने की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली, आवास, आप देखिए सामने आवास से स्विमिंग पूल का नज़ारा, ऊपर से भी देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी चर्चा में है खनवर गाँव विकास को लेकर, खासतौर पर क्षेत्रीय विधायक उमा शंकर सिंह के प्रयास से गाँव को, क्षेत्र को जिस तरीके से सजाया संवारा गया विकास के मामले में। मैं रोशन जायसवाल, अब तक की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए बलिया आजकल, नमस्कार।